पौड़ी में अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही मां 5 महीनों से न्याय नहीं मिलने के कारण हताश हो गई है। वहीं गीता भंडारी की मां ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और कहा कि उनका परिवार कई परेशानियों से जूझ रहा है। उनके पिता का हाल ही में हानिया का ऑपरेशन हुआ है, जिस कारण उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। वहीं डॉक्टर्स परिवार की सूद लेने तक नहीं आ रहा और उनके बेटे की CA की पढ़ाई छूट चुकी है। सरकार ने उन्हें बेटे को नौकरी देने का आश्वासन दिया जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे परिवार के समक्ष आर्थिक संकट है। बता दें, जिलाधिकारी ने कहा है कि अंकिता के भाई ने नौकरी दिए जाने के लिए TSDC में बातचीत की गई, लेकिन जल्द ही अंकिता के भाई को नौकरी दे दी जाएगी। वहीं CMO को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि एक डॉक्टर की टीम परिवार की देखरेख में गांव भेजे। कि जो अंकिता भंडारी की माता जी अपने बेटे की जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए TSDC में आर्टिकलशिप सी आर्टिकलशिप के लिए, जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड का के प्रावधान है, वो सारी मतलब उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है और हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार की जो मदद हो उसके लिए। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि उन्होंने हमसे, CM धामी जी ने हमसे वादा किया था, मेरे पति से भी, कि जब मेरे बेटे की अंत्येष्टि की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग पे हमारे, मतलब 5 महीने हो गए, हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, कभी न्याय की उम्मीद तो दूर। उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार को एक सदस्य पर नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो। आज इसी विषय पर मैं यहाँ आई हूँ